ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 कोतवाली के प्रभारी सुरजीत उपाध्याय शाम 8 बजे खाना खाने के बाद अपने ऑफिस में पहुंचे। वह वहां से गश्त के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी पीसीआर द्वारा उन्हें सूचना मिली कि मित्रा एनक्लेव सोसाइटी के गेट पर बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। महिला को उसके साथी कैलाश अस्पताल लेकर गए हैं। हत्या जैसी वारदात किसी भी अधिकारी के मुंह का स्वाद कसला कर देती है। बावजूद इसके सुरजीत उपाध्याय ने देर नहीं की। उन्होंने एसआई अनूप के नेतृत्व में एक टीम मित्रा एनक्लेव सोसाइटी की तरफ रवाना कर दी और खुद एसआई संदीप कालखंडे, हेड कांस्टेबल किशोरीलाल, कांस्टेबल अंशुल, दीपक, राशिद और सुमित को लेकर कैलाश अस्पताल पहुंच गए। वहां पता चला कि जिस महिला को गोली लगी है वह रागिनी लोक गीतों की मशहूर गायिका सुषमा है। अस्पताल में सुषमा के परिवार और जान पहचान वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने सुषमा को मृत घोषित कर दिया था, जिस कारण अस्पताल में सुषमा के परिजनों का विलाप शुरू हो गया था। चूंकि अब यह वारदात हत्या की हो चुकी थी, इसलिए परिजनों से पूछताछ करने से पहले थाना प्रभारी सुरजीत उपाध्याय ने इस घटना की जानकारी ग्रेटर नोएडा की सीओ प्रथम तनु उपाध्याय के साथ एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह और एसएसपी वैभव कृष्ण को दे दी। कुछ ही देर में ये तीनों अधिकारी भी कैलाश अस्पताल पहुंच गए। सुषमा की बहन सोनू ने घटना के बारे में विस्तार से पुलिस को सारी बात बता दी। सोनू ने बताया कि उस रात यानी 1 अक्टूबर की रात के करीब 8 बजे वह अपनी बहन सुषमा, सहेली वैशाली और ड्राइवर सचिन के साथ अपनी ब्रेजा कार से ग्रेटर नोएडा स्थित मित्रा सोसाइटी के बाहर पहुंची थी। उसकी बहन सुषमा दूध लेने के लिए सोसाइटी के बाहर ही कार से नीचे उतर गई थी। ठीक उसी वक्त मित्रा सोसाइटी के गेट से एक पल्सर बाइक बाहर निकली, जिस पर चालक समेत 2 लोग सवार थे। दोनों ने ही हेलमेट पहने हुए थे। एक क्षण के लिए उनकी बाइक सोसाइटी के बाहर सुषमा की कार के समीप आकर रुकी। तब तक सुषमा अपनी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर चुकी थी। अचानक रुकी बाइक की पिछली सीट पर बैठा युवक बाइक से नीचे उतरकर सुषमा के बेहद करीब पहुंच गया। फुर्ती के साथ उसने जेब से पिस्टल निकाली और सुषमा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुषमा को 4 गोलियां लगी, जिसमें से एक सिर में, दूसरी सीने में और बाकी 2 गोलियां शरीर के दूसरे हिस्सों में लगी। एक के बाद एक 4 गोलियां लगने के बाद सुषमा लहराकर वहीं गिर पड़ी। अचानक सुषमा पर हुए इस हमले को जब तक वे तीनों समझते और कार से नीचे उतरकर सुषमा की मदद करते, तब तक गोलीबारी करने वाले बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। जिस समय ये वारदात हुई थी उस वक्त सोसाइटी में चहल पहल थोड़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य द्वार पर बने गार्ड रूम से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकल आए और गोलियों की आवाज सुनकर सोसाइटी में इधर उधर टहल रहे लोग भी दरवाजे पर आ गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक ये हमला कैसे हुआ और हमलावर कौन थे, वे सोसाइटी के भीतर कैसे पहुंचे। सुषमा की बहन सोनू मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। तब तक वहां लोगों की भीड़ एकत्र हो चुकी थी। किसी ने सुषमा को जल्द हॉस्पिटल ले जाने की बात कही तो सोनू ने सचिन की मदद से खून से लथपथ सुषमा को दोबारा अपनी गाड़ी में डाला। कुछ ही देर में उनकी कार समीप के कैलाश हॉस्पिटल पहुंची, जहां तत्काल सुषमा को आईसीयू में भर्ती करके उसका उपचार शुरू कर दिया गया। तब तक सोनू ने अपने परिचितों और परिवार वालों को फोन करके सुषमा पर हुए हमले की जानकारी दे दी और उनसे अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। इस दौरान किसी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को भी गोलीबारी से हुए इस हमले की सूचना दे दी थी, जिसके बाद पीसीआर की गाड़ी जब मित्रा एनक्लेव सोसाइटी पर पहुंची तो पता चला कि इस हमले में रागिनी गायिका सुषमा गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे कैलाश अस्पताल ले जाया गया है। जिस जगह ये वारदात हुई थी वह क्षेत्र बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में आता है। पीसीआर ने बीटा 2 कोतवाली को पूरी वारदात की जानकारी देकर आगे की कार्रवाई के लिए कैलाश अस्पताल पहुंचने को कहा था। थाना प्रभारी सुरजीत उपाध्याय ने सुषमा की बहन सोनू के साथ कार में सवार वैशाली और कार चालक सचिन के बयान भी दर्ज किए। सोनू के बयान के आधार पर थाना प्रभारी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी वैभव कृष्ण ने एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह को निर्देश दिया कि वह अपनी निगरानी में जल्द से जल्द हत्या की इस वारदात का खुलासा करें। इसीलिए एसपी रणविजय सिंह ने बीटा 2 थाना प्रभारी सुरजीत उपाध्याय को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपकर उनकी मदद के लिए क्राइम ब्रांच की स्टार 2 टीम के इंचार्ज यतेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, प्रवीण मलिक, अमित शर्मा और उदयवीर को तैनात कर दिया। सीओ तनु उपाध्याय को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मरने वाली सुषमा उसी मित्रा एनक्लेव सोसाइटी के फ्लैट नंबर C104 में रहती थी। जिस वक्त अपार्टमेंट के बाहर सुषमा को गोली मारी गई थी, उस वक्त सुषमा का पति गजेंद्र भाटी अपने 2 बच्चों के साथ घर में ही मौजूद था।
जैसे ही उसे पत्नी को गोली मारे जाने की सूचना मिली तो उसके होशोहवास उड़ गए और वह तत्काल कैलाश हॉस्पिटल पहुंच गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच का काम तेजी से शुरू कर दिया। पुलिस की टीमें प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने लगीं। पुलिस ने सुषमा के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली। मित्रा सोसाइटी के गेट और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाने लगा। सुषमा की जिंदगी के हर पन्ने को पुलिस बारीकी से पढ़ने लगी। सुषमा से दोस्ती और दुश्मनी रखने वाले तमाम लोगों को पुलिस ने जांच के केंद्र में ले लिया और धीरे धीरे पुलिस कातिलों के करीब पहुंचने लगी। 6 अक्टूबर 2019 की शाम करीब 7 बजे का वक्त था। एक अहम सूचना के बाद थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्टार 2 की टीम ने सिग्मा 4 सेक्टर के समीप सर्विस रोड पर बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की हुई थी। तभी तेजी से आती एक फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने वहां रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालकों ने कार को रोकने के बजाय पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। 10 मिनट बाद कार से उतरकर भाग रहे दो बदमाशों के पैरों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने जब उन्हें काबू करके पूछताछ की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दोनों कुख्यात अपराधी थे। इनमें से एक मुकेश पड़ोसी जिले बुलंदशहर के थाना अगौता के गांव जोलीगढ़ का और दूसरा संदीप गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर इलाके में स्थित गांव थोरा का रहने वाला था। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, इसलिए उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस की एक टीम जहां उनसे पूछताछ का काम कर रही थी तो दूसरी टीम उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी करने में जुट गई। संदीप और मुकेश जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे, पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से एक 30 mm का पिस्टल और 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ था। बुलंदशहर के रहने वाले मुकेश के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसके खिलाफ लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों के 22 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जबकि संदीप के खिलाफ भी लूट के 2 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई। पुलिस की टीम ने जब इलाज के दौरान दोनों से पूछताछ की तो अचानक रागिनी गायिका सुषमा की हत्या की गुत्थी सुलझती चली गई। संदीप और मुकेश से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने उसी रात सुषमा के पति गजेंद्र भाटी, गजेंद्र के ड्राइवर अमित, गजेंद्र के गांव बिलासपुर में रहने अमित के 13 भाई अजब सिंह, बुलंदशहर के मेहसाना गांव में रहने वाले अजब सिंह के दोस्त प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन सभी आरोपियों से पूछताछ हुई तो सुषमा हत्याकांड की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में एक गाँव है नेकपुर। इसी गाँव में रहने वाले जाट परिवार में सुषमा का जन्म हुआ था। 26 साल की सुषमा अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़ी थी। सुषमा की 5 बहनें और 1 भाई है। भाई 3रे नंबर का है। 3 छोटी बहनों को छोड़कर सभी का विवाह हो चुका था। सुषमा जब स्कूल में पढ़ती थी और उसकी उम्र 13 साल थी, उसी समय से उसे रागिनी और लोकगीत गाने का ऐसा शौक लगा कि वह जल्द ही रागिनी गायकों की मंडली में जाकर गाने लगी। 16 साल की उम्र तक आते आते सुषमा इलाके की जानी मानी युवा रागिनी गायिका बन गई। सुषमा को उसके गांव के नाम नेकपुर के नाम से पुकारा जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान रागिनी गायिका सुषमा नेकपुर के रूप में कायम हो गई। सुषमा की कला को देखकर उसकी 3रे नंबर की बहन सोनू को भी स्कूली समय से ही गाने बजाने का शौक लग गया और वह भी बाद में अपनी बहन सुषमा की तरह न सिर्फ स्टेज पर रागिनी गायिका की तरह परफॉर्म करने लगी, बल्कि रागिनी पर होने वाले ग्रुप डांस में भी शामिल होने लगी। सोनू को बचपन से ही मर्दाना लिबास और मर्दाना रूपर्ग में रहने का शौक था, इसलिए वह ज्यादातर पैंट शर्ट पहनती। उसके हेयर स्टाइल भी मर्दों जैसे ही थे। धीरे धीरे सोनू के साथ एक उपनाम भी जुड़ गया, सम्राट, और लोग उसे सोनू सम्राट के नाम से जानने लगे। सुषमा ने छोटी बहन सोनू के हुनर को देखकर उसे भी अपने साथ जोड़ लिया। सुषमा और सोनू की मंडली का ग्रेटर नोएडा की सिसोदिया म्यूजिक कंपनी से करार था। सुषमा के स्टेज शो को सिसोदिया म्यूजिक कंपनी ही रिकॉर्ड करके उसकी सीडी बाजार में बेचती थी। साथ ही सुषमा के स्टेज शो और रागिनी के वीडियो यूट्यूब पर भी डाले जाते थे, जिस पर सिसोदिया म्यूजिक कंपनी का ही अधिकार था। सुषमा और सोनू सम्राट कुछ ही सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग जागरण से लेकर स्टेज शो कराने के लिए उन्हें मुमांगी रकम देकर बुलाने लगे। गांव देहात में रहने वाले लोगों को जवान होती बेटी के हाथ पीले करने की बहुत जल्दबाजी होती है। सुषमा ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसके माता पिता ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए।
लेकिन इसी दौरान सुषमा को गाजियाबाद में रहने वाला एक युवक संदीप कौशिक पसंद आ गया। जब परिवार वालों ने सुषमा के लिए लड़कों की खोजबीन शुरू की तो सुषमा ने उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताया। सुषमा अपने पैरों पर खड़ी थी, वह बालिग थी और साथ ही परिवार की मदद भी करती थी, इसलिए माता पिता ने विजातीय होने के बावजूद सुषमा को संदीप कौशिक से शादी करने की मंजूरी इसलिए दे दी क्योंकि वह ब्राह्मण जैसी उच्च जाति का लड़का था। संदीप एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, संयुक्त परिवार में रहता था और विजातीय होने के कारण उसके परिवार के रस्मों रिवाज और संस्कार भी सुषमा से अलग थे। सुषमा ज्यादातर जागरण की पार्टियों और शादी समारोह के फंक्शन में अपने ग्रुप के साथ जाती थी। इन सब कारणों से सुषमा समय बेसमय अपनी ससुराल आती जाती थी, जिसके चलते जल्द ही अपने पति संदीप कौशिक और उसके परिवार वालों से सुषमा की अनबन शुरू हो गई। 7-8 महीने भी नहीं बीते थे कि सुषमा और संदीप का मनमुटाव इस मुकाम तक पहुंच गया कि उसने सुषमा से अलग होने का फैसला कर लिया। सुषमा और संदीप अलग-अलग तो रहने लगे, लेकिन उनका संबंध इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। परिवार वालों के कहने पर सुषमा ने गाजियाबाद कोर्ट में अपने पति संदीप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। यह मामला 2-3 साल तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान सुषमा अपनी बहन सोनू के साथ पूरी तरह रागिनी गायन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने लगी। सुषमा ने अब अपने गांव नेकपुर की जगह ग्रेटर नोएडा में ही फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांव से आने जाने में उसे काफी परेशानी होती थी। सुषमा दिनों दिन लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले रागिनी के शौकीनों में उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। इधर 4 साल पहले अदालत में चल रहे दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान होकर संदीप कौशिक ने सुषमा से अदालत से बाहर उसे 10 लाख रुपए का हर्जाना देकर समझौता कर लिया और दोनों के बीच रजामंदी से तलाक हो गया। पति से तलाक के बाद सुषमा एक बार फिर आजाद हो गई। सुषमा अब अपने रागिनी गायन के काम में पूरी तरह खो गई थी। अब ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी लड़कियां भी सुषमा की शिष्या बनकर उससे रागिनी की कला और गायन विद्या सीखने लगी थीं। जिन दिनों अदालत में सुषमा का अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा था, उन्हीं दिनों सुषमा की जिंदगी में गजेंद्र भाटी ने प्रवेश किया। गौतम उद्धंग के बिलासपुर का रहने वाला गजेंद्र भाटी 30 एक जमींदार परिवार का नौजवान था। परिवार में पत्नी रीना के अलावा 3 बच्चे भी थे। गजेंद्र भाटी को उसके दोस्त गज्जी के नाम से पुकारते थे। उसके बिलासपुर और दनकौर में 2 ईंट भट्ठे थे। इसके अलावा गांव में उसकी खेती की कई बीघा जमीन थी। उसने ग्रेटर नोएडा में साई प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस भी खोल रखा था। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में उसने फ्लैट खरीद कर पैसे का निवेश भी किया हुआ था। कहते हैं जब इंसान के पास दौलत आती है तो साथ में बुरी आदतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। गजेंद्र को भी अमीरी के साथ शराब पीने और लड़कियों के साथ अयाशी की लत लग गई थी। वह अक्सर दोस्तों के साथ अपने ऑफिस और फॉर्म हाउसों में शराब की पार्टियां करता था। कभी भी इन पार्टियों में काल गल भी बुलाई जाती थी। गज्जी की पत्नी रीना गांव की एक सीधी सादी और साधारण शक्ल सूरत वाली थी, इसलिए वह घर से बाहर खूबसूरत लड़कियों में अपने लिए खुशी तलाशता था। करीब 5 साल पहले गज्जी की सुषमा से पहली मुलाकात नोएडा की सिसोदिया कैसेट कंपनी के ऑफिस में हुई थी। गजेंद्र भाटी वहां सुषमा की आवाज में एक भजन की कैसेट रिकॉर्ड करवाने के लिए आया था। अमूमन सोनू और सुषमा साथ ही परफॉर्म करती थीं, पर उस भजन कैसेट में सुषमा ने अकेले ही परफॉर्म किया था क्योंकि ये भाटी की डिमांड थी। गजेंद्र पहली मुलाकात में ही सुषमा पर फिदा हो गया। उसने सुषमा को उस भजन के लिए मुमांगी रकम दी थी, जिससे सुषमा भी पहली ही बार में उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी। सुषमा और गजेंद्र की मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। सुषमा की लोकप्रियता के चर्चे गजेंद्र ने पहले भी सुने थे। जब सुषमा हकीकत में गजेंद्र की दोस्त बन गई तो गजेंद्र उसे अपने साथ इधर उधर घुमाने लगा। गजेंद्र के पास पैसे की कमी नहीं थी, लिहाजा सुषमा को प्रभावित करने के लिए वह उसे महंगे तोहफे देता था। इस सब का असर यह हुआ कि दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार और अपनत्व के भाव पैदा हो गए। हर औरत को एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है, लिहाजा जब गजेंद्र जैसा अमीर और जवान दोस्त सुषमा के प्यार में डूबा तो सुषमा भी उसके प्यार में डूबने से बच न सकी। दोनों के बीच जल्द ही जिस्मानी संबंध भी कायम हो गए। एक बार दोनों के बीच रिश्ते कायम हुए तो फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा। इसके बाद जल्द ही गजेंद्र ने सुषमा के सारे खर्चे भी उठाने शुरू कर दिए। जिस फ्लैट में सुषमा अपनी बहन सोनू सम्राट के साथ रहती थी, उसके किराए से लेकर घर के तमाम खर्चे भी गजेंद्र ही उठाने लगा।
एक तरह से गजेंद्र और सुषमा बिना शादी के पति पत्नी के तौर पर साथ रहने लगे थे। चूंकि तब तक सुषमा का संदीप के साथ कानूनी तलाक नहीं हुआ था, इसलिए सुषमा और गजेंद्र ने लिव इन रिलेशन में रहने के बावजूद अपने संबंधों को दुनिया से छिपा रखा था। लेकिन जब 4 साल पहले सुषमा का तलाक हो गया तो सुषमा ने अपने परिवार के सामने गजेंद्र के साथ अपने प्रेम संबंधों का इजहार कर दिया। चूंकि गजेंद्र ने सुषमा से वायदा किया था कि वह जल्द ही उसके साथ शादी कर लेगा, इसलिए सुषमा के परिजनों ने गजेंद्र के साथ भी उसके संबंधों को कबूल कर लिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुषमा की जिद पर गजेंद्र ने एक मंदिर में जाकर पुजारी के सामने सुषमा के गले में माला डालकर मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने वायदा किया कि अपने परिवार को मनाने और पत्नी को तलाक देने के बाद वह उसके साथ विधिवत रूप से शादी कर लेगा। सुषमा ने उस वक्त गजेंद्र की इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। गुपचुप ढंग से की गई शादी के कुछ दिन बाद सुषमा को पहले पति से हर्जाने के रूप में जो 10 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 7 लाख रुपए गजेंद्र ने सुषमा से ये कहकर ले लिए थे कि उसके सारे खाते इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिए हैं और उसे पैसों की जरूरत है। सुषमा से लिए हुए पैसों से भाटी ने ब्रेजा कार खरीदी, लेकिन उसे भी उसने अपने नाम करा लिया था। ये कार उसने किसी ब्रजपाल नाम के व्यक्ति के नाम पर ली, जिसके बारे में सुषमा को जरा सा भी इल्म नहीं हुआ। यही कार उसने सुषमा को इस्तेमाल करने के लिए दी हुई थी। इधर वक्त बीतने के साथ सुषमा बीच बीच में अक्सर पूरे समाज के सामने गजेंद्र को शादी करने का वचन याद दिलाने लगी। वक्त इसी तरह तेजी से बीतने लगा। इस दौरान उसने गजेंद्र के 2 बच्चों के रूप में 3.5 साल पहले एक बेटी और उसके 1.5 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि गजेंद्र अब समाज में सुषमा को एक पत्नी की हैसियत से अपने साथ लेकर आता जाता था, लेकिन उसने अपने परिवार के बीच अभी भी उसे वह दर्जा नहीं दिया था। गजेंद्र ने जब सुषमा से संबंध बनाए थे तभी उसने वायदा किया था कि वह उसके और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक फ्लैट खरीद कर देगा। 2 साल पहले उसने ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 सेक्टर की मित्रा एनक्लेव सोसाइटी में C104 नंबर का 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदा और तभी से सुषमा अपनी बहन और बच्चों के साथ वहां जाकर रहने लगी थी। लेकिन गजेंद्र ने इस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। इस फ्लैट को भाटी ने ये बोलकर खरीदा था कि वो सुषमा के लिए है, इसीलिए सुषमा ने कहा कि मेरे नाम मत खरीदो, इसे बेटे के नाम कर दो। लेकिन उसने दोनों के नाम न करके रजिस्ट्री खुद के नाम करा ली। इससे सुषमा को अपने दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। इन वजहों से अब गजेंद्र और सुषमा के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। पहला तो ये कि सुषमा पूरे समाज के सामने गजेंद्र से अपने संबंधों की मान्यता चाहती थी, दूसरे वह अपने व अपने बच्चों के भविष्य के लिए मित्रा सोसाइटी के फ्लैट को अपने नाम कराने की जिद करने लगी थी। यह विवाद वक्त के साथ साथ इस तरह बढ़ने लगा कि अक्सर कई कई दिन तक दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो जाती थी। मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का विवाद धीरे धीरे इस कदर बढ़ता चला गया कि सुषमा अब गजेंद्र से अपना और अपने बच्चों का हक भी मांगने लगी थी। तब गजेंद्र को लगने लगा कि उसने अपने गले में मुसीबत डाल ली है। वह कभी भी इतना परेशान हो जाता कि खुद को खत्म करने की बात सोचने लगता, तो कभी उसके मन में सुषमा से पीछा छुड़ाने के ख्याल आने लगते। 13 फरवरी 2018 को तो सुषमा और गजेंद्र के बीच इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गजेंद्र ने सुषमा को अपनी जान देने की धमकी देनी शुरू कर दी। एक दिन उसने सुषमा को डराने के लिए आत्महत्या का नाटक भी किया। उसने स्टूल पर चढ़कर फांसी लगाने का नाटक किया था, लेकिन बाद में उसका ये नाटक हकीकत में बदल गया। उसका पैर स्टूल से ऐसे फिसला कि वो वहीं लटक गया। उस दिन घर में मौजूद सुषमा व सोनू ने किसी तरह उसे रस्सी के फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया और उसे बचा लिया। ठीक होने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में सुषमा अपने बच्चों के लिए जमीन में हिस्सेदारी और अन्य तरह की मांगें फिर करने लगी। रोज-रोज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गजेंद्र ने आखिर फैसला किया कि अपनी जान देने से अच्छा है कि सुषमा नाम के कांटे को ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए। इसीलिए करीब 7 महीने पहले से ही गजेंद्र ने सुषमा की हत्या की साजिश का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया। इसके लिए पहले गजेंद्र ने सुषमा के मोबाइल फोन पर कुछ ऐसे संदिग्ध फोन करके उसे जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे लोगों को लगे कि सुषमा को पहले से ही धमकियां दी जा रही थीं। बाद में उसने अपने लोगों के जरिए सुषमा के फेसबुक व सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां करवानी शुरू कर दी ताकि वह बदनाम हो जाए। जब ये बात सुषमा ने गजेंद्र को बतानी शुरू की तो गजेंद्र ने सुषमा को ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि शायद सुषमा का पहला पति संदीप उसे परेशान कर रहा है।
दरअसल अब गजेंद्र को सुषमा पर यह भी शक होने लगा था कि सुषमा का उसके अलावा किसी अन्य के साथ भी संबंध बना हुआ है, क्योंकि वह अब ज्यादातर घर से बाहर रहने लगी थी। जब गजेंद्र उर्फ गजजी समझ गया कि सुषमा को रास्ते से हटाने की पृष्ठभूमि तैयार है, तो उसने अपने ड्राइवर अमित से एक दिन कहा कि यार ये सुषमा आजकल बहुत परेशान कर रही है, कोई ऐसा आदमी बता जो सफाई से इसका काम कर दे और मेरे ऊपर भी कोई शक न जाए। गजेंद्र ने ये भी कहा कि इस काम के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। अमित गजेंद्र का बहुत पुराना ड्राइवर था, उसके हर सुख दुख के साथ उसके हर राज में भागीदार रहता था। जब उसने देखा कि गजेंद्र भैया बहुत परेशान हैं, तो उसने इस बारे में अपने गांव बिलासपुर में रहने अपने चाचा अजब सिंह से बात की। अजब सिंह कुंवारा था, क्योंकि बचपन से ही वह अपराधियों की सोहबत में रहा था, इसलिए उसने शादी भी नहीं की थी। अजब सिंह ने अमित और गजेंद्र से इस बारे में विस्तार से बात की। जब वह उनका मकसद समझ गया तो अजब सिंह ने बुलंदशहर के मेहसाना गांव में रहने वाले अपने दोस्त प्रमोद को एक दिन ग्रेटर नोएडा बुलवा लिया। प्रमोद ने जब पूरी बात जान ली तो उसने गजेंद्र से सुषमा की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपए मांगे, लेकिन जब गजेंद्र ने इतने रुपए देने से मना किया तो सौदेबाजी होने लगी। आखिर में 8 लाख रुपए में प्रमोद से सुषमा की हत्या का सौदा तय हो गया। गजेंद्र ने तय रकम में से आधे यानी 4 लाख एडवांस दे दिए थे, जबकि बाकी काम होने के बाद देने तय हुए, लेकिन गजेंद्र ने शर्त रखी थी कि काम इस तरह होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई आंच ना आए, लिहाजा इसके लिए एक योजना तैयार की गई। प्रमोद ने इसके लिए एक क्लाइंट बनकर सुषमा से मुलाकात की और अपने गांव मेहसाना में 19 अगस्त 2019 को एक रागिनी कार्यक्रम के लिए उसे 15,000 रुपये में आमंत्रित कर लिया। इसके अलावा प्रमोद ने अपने गांव में भी समारोह के लिए टेंट आदि लगवाए और उसमें लोगों को आमंत्रित कर लिया। इस काम में भी जो खर्चा हुआ वह गजेंद्र ने ही वहन किया था। 19 अगस्त 2019 को सुषमा सोनू व एक शिष्या वैशाली और ड्राइवर को लेकर मेहसाना गांव पहुंच गई। उसके ग्रुप के बाकी लोगों को सीधे अपने साधन से वहीं पहुंचना था, लेकिन वहां जाकर एक अजीब सा हादसा हो गया। सुषमा को तो लगा था कि गांव में पहुंचकर उसका भव्य स्वागत होगा। हालांकि वह तय समय पर ही समारोह में पहुंच गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही समारोह के आयोजक प्रमोद के अलावा कई लोगों ने उनके साथ इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वे समारोह में 2 घंटे देर से पहुंचे हैं और उनके बहुत से मेहमान वापस लौट गए। सुषमा ने जब उन्हें समझाना चाहा कि वे समय पर पहुंचे हैं तो प्रमोद व उसके साथी भड़क गए। कई लोग उनसे हाथापाई करने लगे। कुछ लोगों ने अचानक उसकी गाड़ी पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिससे उसकी गाड़ी के शीशे टूट गए। एक दो लोगों ने जब लाठियों का रुख सुषमा की तरफ किया तो सुषमा मौके की नजाकत को समझकर तत्काल गाड़ी में बैठ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, ड्राइवर सचिन ने गाड़ी वहां से दौड़ा दी, लेकिन इस आपाधापी में सुषमा को कुछ चोटें जरूर लगीं। इस घटना में सुषमा के साथ उसकी बहन और साथी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रहे थे। सुषमा के कहने पर सचिन ने गाड़ी का रुख बुलंदशहर कोतवाली देहात की तरफ मोड़ दिया। उसने वहां जाकर कार्यक्रम के संचालक प्रमोद के अलावा अनजान लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इधर जब ग्रेटर नोएडा वापस लौटने के बाद सुषमा ने गजेंद्र को अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी, तो उसने सुषमा को बताया कि हो न हो इस हमले के पीछे भी संदीप के लोगों का ही हाथ है। हालांकि उस दिन सुषमा का खात्मा नहीं होने के कारण गजेंद्र को अजब सिंह, अमित और प्रमोद पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। गजेंद्र ने उस दिन सुषमा के साथ ऐसा बर्ताव किया मानो उसे ही सुषमा की सबसे ज्यादा फिक्र हो और उसके लिए बेहद चिंतित है। गजेंद्र ने सुषमा को तमाम मतभेदों के बाद इस बात की सख्त हिदायत दी कि अब वह जहां भी जाएगी अपने बारे सारी जानकारी उसे जरूर देगी, ताकि उसे पता तो रहे कि वह कहां है और क्या कर रही है। मेहसाना गांव में सुषमा की हत्या करने की योजना के नाकाम होने से सुषमा की हत्या की सुपारी लेने वाला प्रमोद, अजब सिंह और अमित हतोत्साहित जरूर हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गजेंद्र भाटी से वायदा किया कि हर हाल में वे अब की बार शिकार का कत्ल करके ही उसे अपना मुंह दिखाएंगे। इसके बाद अजब सिंह और प्रमोद ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने परिचित जेवर के एक अपराधी संदीप और अगौता के रहने वाले मुकेश को इस योजना में शामिल कर लिया। प्रमोद ने सुपारी की रकम में से 2 लाख रुपये भी उन दोनों को दिए, साथ ही उन्हें अलीगढ़ से एक पिस्टल व तमंचा खरीदकर उन दोनों को लाकर दे दिया। इधर बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें उन्होंने प्रमोद की तलाश शुरू की दी थी, लेकिन वह अपने घर से फरार था।
लिहाजा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। इस दौरान सुषमा लगातार बुलंदशहर पुलिस के अधिकारियों से संपर्क करके खुद पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी का दबाव बनाती रही। दूसरी तरफ गजेंद्र भी सुषमा की हत्या के लिए फाइनल साजिश तैयार करने में जुटा था। उसने एक दिन इस साजिश में शामिल लोगों को ग्रेटर नोएडा बुलाकर उन्हें पूरी रणनीति समझा दी। उसने सभी आरोपियों को वारदात करने के लिए नए सिम कार्ड खरीद कर दिए और हिदायत दी कि इस काम के संबंध में सभी लोग नए सिम का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा गजेंद्र ने संदीप, मुकेश, प्रमोद, अजब सिंह और अमित को 15 सिंधब को मित्रा सोसाइटी के सामने बनी अंसल सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेकर दिया और सभी बदमाशों ने उस फ्लैट में डेरा डाल दिया। इस फ्लैट में गजेंद्र भी जाता रहता था। घटना वाली सुबह गजेंद्र सुषमा के साथ ही घर में था। सुषमा अपनी बहन और वैशाली को साथ लेकर उसे यह बताकर बुलंदशहर गई थी कि वह शाम तक लौट आएगी। गजेंद्र ने उसी दिन सुषमा की हत्या का फैसला कर लिया, क्योंकि सुषमा उसे बता चुकी थी कि वह एक दो दिन में बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। गजेंद्र जानता था कि अगर सुषमा ने सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसे मारना भी मुश्किल हो जाएगा और बुलंदशहर में हमले का राज भी खुल सकता है, क्योंकि पुलिस उसकी छानबीन फिर तेज कर सकती है। गजेंद्र जानता था कि सुषमा ने बतौर कलाकार के तौर पर तो बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन वह अब राजनीति में जाकर कोई मुकाम हासिल करना चाहती थी। हालांकि उसने कई साल पहले ही बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर के किसी विधानसभा क्षेत्र से वह पार्टी का टिकट चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया था। सुषमा ने उस वक्त कई मौक़ों पर खुद को बतौर बीएसपी की भावी विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करते हुए उसके पोस्टर व होर्डिंग भी लगवाए थे। इसीलिए निराश होकर अब उसने भाजपा नेताओं के साथ अपनी जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी थी और जल्द ही पार्टी में शामिल होने वाली थी। उस दिन सुषमा इसी मकसद से बुलंदशहर गई थी, जहां वह बुलंदशहर भाजपा जिला अध्यक्ष हिमांशु मित्तल से जिला कैंप कार्यालय पर मिली थी। मित्तल ने उसे एक दो दिन में ही किसी कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का आश्वासन दिया था। राजनीति में आने के बाद सुषमा अपनी पकड़ मजबूत करके जल्द ही चुनाव लड़ने का सपना देख रही थी। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद सुषमा उसके लिए और ज्यादा घातक और बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए उस दिन दोपहर बाद से ही गजेंद्र सुषमा से लगातार फोन पर बात करते हुए उसकी लोकेशन की पल पल की जानकारी लेकर अपने साथियों को देता रहा। उसने उन्हें हिदायत दी कि सुषमा का आज ही काम तमाम होना है। शाम 6 बजे गजेंद्र की सुषमा से हुई बात से यह पता चल गया कि अगले 2 घंटे के भीतर सुषमा घर लौट आएगी, तो मुकेश व संदीप अपनी बाइक लेकर हेलमेट लगाकर पहले ही सोसाइटी में आकर छिप गए। संयोग से किसी ने उन्हें भीतर आने से नहीं रोका, न ही उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश व संदीप को बैकअप देने के लिए सोसाइटी से कुछ ही दूर गजेंद्र की फॉर्च्यूनर कार में अमित, प्रमोद व अजब सिंह भी बैठे थे। वारदात से आधा घंटा पहले संदीप और मुकेश ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, क्योंकि गजेंद्र उन्हें बता चुका था कि किसी भी वक्त सुषमा अपनी ब्रेजा कार से सोसाइटी के गेट पर आकर रुकने वाली है। गजेंद्र ने उन्हें यह भी बता दिया था सुषमा गेट पर ही गाड़ी से उतर जाएगी, क्योंकि उसने सोसाइटी के बाहर एक स्टॉल से दूध लाने के लिए उसे बोला है। बस मुकेश और संदीप सोसाइटी के भीतर बाइक पर सवार होकर मुख्य द्वार की तरफ देखने लगे, ताकि जैसे ही सुषमा गेट पर उतरे वे उसका काम तमाम कर दें। वैसा ही हुआ जैसी योजना तैयार हुई थी। सोसाइटी के मुख्य द्वार पर सुषमा ने गाड़ी रुकवाए और वह नीचे उतर गई। ठीक उसी समय दोनों शूटर संदीप और मुकेश ने बाइक स्टार्ट की और ठीक मुख्य द्वार के पास सुषमा के समीप जाकर रोक दी। बाइक पर पीछे बैठे मुकेश ने नीचे उतरकर पिस्टल निकालकर सुषमा पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चला दीं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में संदीप और मुकेश ने अपने काम को अंजाम दे दिया और उसके बाद बाइक से फरार हो गए। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुकेश ने अपने मोबाइल में से नया सिम निकालकर उसमें अपना पुराना सिम डाला और उससे गजेंद्र के पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। बस यहीं पर उनसे चूक हो गई। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो मामले के जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय ने ऐसा महसूस किया कि सुषमा की हत्या के बाद गजेंद्र और उसका चालक अमित सबसे ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। दोनों ही अस्पताल में सबसे ज्यादा रो रहे थे। ऐसा आमतौर पर वही लोग करते हैं जो ऐसा जताना चाहते हैं कि उन पर किसी को शक न हो। हालांकि गजेंद्र पोस्टमार्टम आदि कराने के बाद नेकपुर स्थित सुषमा के गांव भी पहुंचा था और उसने ही सुषमा के शव को मुखाग्नि भी दी थी।
यही कारण था कि सुषमा के परिवारजनों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ था। मामले के जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय को सुषमा की बहन सोनू ने सिर्फ यही बताया था कि वारदात वाली रात 8 बजे वह अपनी बहन सुषमा के साथ बुलंदशहर जिले से लौटी थी। वहां वे किसी काम से भाजपा कार्यालय गए थे। इसके बाद सुषमा कोतवाली देहात थाने में अपने ऊपर हमले के पुराने केस के सिलसिले में भी प्रगति जानने के लिए पहुंची थी। वारदात वाले दिन सुषमा की कार खुर्जा के कलेना गांव निवासी उसका ड्राइवर सचिन चला रहा था, साथ में उसकी शिष्या वैशाली भी थी। वारदात वाली रात को सोनू ने किसी पर भी शक नहीं जताया था, लेकिन अगली सुबह उसने पुलिस को जो शिकायत लिख कर दी उसमें सोनू ने लिख कर दिया था कि हेलमेट लगाने वाले हमलावर मित्रा एन्क्लेव सोसाइटी में रहने वाले ब्रजेश की बाइक पर सवार थे। इस शिकायत में बाइक का नंबर भी लिखा गया था। पुलिस ने जब अजब सिंह और प्रमोद सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय ने मित्रा एन्क्लेव सोसाइटी के गेट से कब्जे में ली गई सीसीटीवी फुटेज से भी सुषमा पर गोली चलाने वाले संदीप और मुकेश के हुलिये का मिलान कराया तो उनका हुलिया मेल खा गया। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जिसे हत्या को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में पता चला कि गजेंद्र पिछले कई महीनों से सुषमा से छुटकारा पाने की साजिश बनाने में जुटा था। किसी को उस पर शक न हो इसके लिए उसने वारदात के बाद सुषमा के पूर्व पति संदीप कौशिक के खिलाफ सुषमा के मन में जहर भरना शुरू कर दिया था, ताकि सुषमा की हत्या के बाद पुलिस पूरी तरह संदीप कौशिक को शक के दायरे में रखकर जांच पड़ताल में उलझ जाए। इसके लिए सुषमा ने गजेंद्र के कहने पर अपनी हत्या से कुछ माह पहले बीटा दो थाने में और वह एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी कि उसका पहला पति उसे इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। सुषमा ने संदीप कौशिक के खिलाफ फेसबुक समेत सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया था। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने वाली बीटा दो थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। कथा पुलिस जांच व अभियुक्तों और परिजनों से हुई पूछताछ पर आधारित। धन्यवाद।